अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सामिया टीचर। आज हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कैंसी वगैरह लेकर बैठना है। सबसे पहले हम आंकड़ा शास्त्र के बारे में थोड़ी मालूमात इकट्ठी करेंगे। चैप्टर वन हमारा थियोरी चैप्टर है, जिसका नाम है माहिती एकत्रीकरण यानी मालूमात इकट्ठी करना। आंकड़ा शास्त्र में मालूमात किस तरह इकट्ठी की जाती है? मालूमात इकट्ठी करने के दो तरीके हैं, संख्यात्मक माहिती और दूसरी है गुणात्मक माहिती। संख्यात्मक माहिती में होता है नंबर्स, जैसे कि हम कोई स्कूल में बैठे हैं और उस स्कूल में जैसे कि समझो कि 15 स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि हम कोई स्कूल में बैठे हैं उसके अंदर नौवीं से लेकर बारहवीं तक में 300 स्टूडेंट हैं और हमारे टीचर्स कितने हैं, 12 या 13 टीचर्स हैं, 15 टीचर्स हैं। तो ये जितनी भी मालूमात होती है वो नंबर्स में बताई जाती है और जो नंबर्स में बताई जाती है उसको कहा जाता है तातुली मालूमात, संख्यात्मक मालूमात, तातुल मालूमात। जो नंबर्स में बताया जाता है उसको तादुद मालूमात कहते हैं। गुणात्मक माहिती गुण धर्म वाली माहिती। खुसूसियात के हिसाब से इकट्ठी करते हैं उसको खुसूसियाती मालूमात कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सब अभी समझो कि हमने पहले जो देखा कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उसको तादुद मालूमात कहते हैं। अब यहाँ पर खुसूसियाती मालूमात में क्या आएगा, हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, उसमें से हमको सबसे ज़्यादा होशियार कौन है वो देखना है, खुसूसियात देखनी है, सबसे ज़्यादा क्लेवर कौन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जो होशियार है इसके लिए हम लोग टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेके देखेंगे कि रैंक किसका अच्छा आया, जिसका ज़्यादा अच्छा रैंक आया, जिसने अच्छे से पढ़ाई की उसका अच्छा रैंक आएगा। तो जिसका फर्स्ट रैंक आएगा उससे हमको पता चलेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा होशियार कौन है। तो जिसमें खुसूसियात मालूम करते हैं उसको खुसूसियाती मालूमात कहते हैं। अगर हमको ये सोचना है, अगर हम ये ढूंढ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, तो हम सबकी हाइट मापेंगे, सबकी हाइट निकालेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी हाइट होगी, जिसके सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा होंगे वो सबसे ज़्यादा लंबा कहा जाएगा। तो ये भी लंबाई, वजन, होशियारी, वफादारी, ये सब खुसूसियात होते हैं। तो जो खुसूसियात होते हैं उसको खुसूसियाती मालूमात कहा जाता है और जो नंबर्स में आते हैं उसको तादुद मालूमात कहा जाता है, संख्यात्मक माहिती। अब इसके अंदर और माहिती है, संख्यात्मक माहिती में और माहिती है प्राथमिक माहिती और गौण माहिती। प्राथमिक माहिती यानी बुनियादी माहिती। मेरे क्लास में, मेरे पास, हमारे महल में या कोई भी जगह, जैसे कि हॉस्पिटल में या फिर आंगनबाड़ी में किसी कोई एक जगह है, जैसा फर्ज करो कोई एक जगह है यहाँ पर, अभी जैसे कि हमारे घर के पास अभी जैसे कि बीमारी चल रही है तो घर के पास सारे डॉक्टर्स या सब आते हैं चेक करने के लिए। हमारी डॉक्टर ही तपास होती है, चेकिंग होती है कि इसकी हेल्थ कैसी है, इसकी तंदुरुस्ती कैसी है। तो इसके लिए वो लोग हर एक घर में जाते हैं, हर एक घर में जाके हर एक के नब्ज चेक करते हैं, हर एक की सर्दी खांसी चेक करते हैं। तो हर एक के पास जाना और हर एक के पास से मालूमात इकट्ठी करना उसको प्राथमिक माहिती यानी बुनियादी मालूमात कहते हैं। हर एक के पास जाके उसकी मालूमात इकट्ठी करना, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट है, यहाँ पर हमारी एक स्कूल है और एक स्कूल में मैनेजमेंट है, तो वो मैनेजमेंट जो काम कर रही है उसके बाद मैनेजमेंट के अंडर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल के अंडर टीचर्स काम कर रहे हैं। तो टीचर्स जो स्टूडेंट के साथ कनेक्शन करते हैं, डायरेक्टली कनेक्शन करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट के साथ जो डायरेक्टली कनेक्शन करते हैं उसको बुनियादी मालूमात कहा जाता है। दूसरे नंबर पे गौण माहिती यानी शांति मालूमात।
मालूम इकट्ठी करते हैं उसे शानवी मालूम कहा जाता है, यानी किसी और के जरिए मालूम इकट्ठी करना उसको शानवी मालूम कहा जाता है, खुद हर एक के पास जाकर मालूम इकट्ठी करना उसको बुनियादी मालूम कहा जाता है, और किसी और के पास फॉर्म भरवा के या कोई भी जरिए या पोस्ट करके या कोई फॉर्म फिलअप करवा के या एप्लीकेशन लेकर किसी और जरिए मालूम इकट्ठी करना उसको शानवी मालूम कहा।